हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाली वीडियो में टोपी बनाएंगे। ये टोपी मैंने कैसे बनाई है तो मैं आपको बताऊंगी। इसमें छोटा सा मैंने ये फ्लावर बना के लगाया है। तो इस टोपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने क्रोशिए से बनाई है। तीन प्लाई की ऊन से यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप कमेंट जरूर किया करें ताकि कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें आपको और क्या सिखाना है, हमें क्या करना है। तो आप कमेंट जरूर किया करें। तो हम इस टॉपिक को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ऊन ली है और 9 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो ये मैंने 3 प्लाई की ऊन ली है। तीन प्लाई की ऊन है। तो कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। डबल क्रोशिया करके ये पहले तीन चैन बना लेंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर डबल क्रोशिया 5 बार कर लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 4 बार कर लेते हैं, 4 5 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार कर लेंगे। तो अभी से ऐसे तो 4 बार हमने डबल क्रोशिया कर लिया। पहले 3 चैन बनाई थी तो इन चारों में से और जो 3 चैन में से हमने इस धागे को निकाल लिया। अब हम 3 चैन बनाएंगे, फिर 1 2 फिर 3 बनाएंगे, फिर ऐसे दोबारा यहाँ पे फिर बना लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार। फिर उसके बाद 3 चैन बना लेंगे, 1 2 3। फिर दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार। उसके बाद फिर से
से बना लेंगे। तो तीन बार मैंने ऐसे बना लिया, एक और दो तीन, तो तीन बार और यहाँ बनाकर, छह बार बनाकर मैं तीन और बना लूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो छह बार हमने बना लिया, एक दो तीन चार पाँच छः, छह बार इस धागे को अब खींच लेंगे हम, और फिर तीन चैन बना लेंगे, एक दो तीन, और जो लास्ट यहाँ पे हमने चैन बनाई थी उस ऐसे बना लेंगे। इसे डबल क्रोशिया नहीं करना, ऐसे से ऐसे बना लेंगे, ऐसे करके। अब फिर तीन चैन बना लेंगे, एक दो तीन। अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये तीन चैन बनाई थी हमने, ये होल है यहाँ पे, हमने डबल बार ऐसे बनाना है, जैसे ये दो बने हमने यहाँ पे दो बनाने हैं, एक बार दो बार तीन, फिर ये चार। अब चारों में से धागे को निकाल लेंगे, और ये तीन जो चैन बनाई इसमें से भी निकाल लेंगे। फिर तीन चैन बना लेंगे, एक दो तीन, फिर दोबारा इसी होल में से एक बार हमने ऐसे दोबारा फिर बनाना है, एक बार दो तीन चार, और फिर ऐसे निकाल लेंगे, और जो तीन हमें चैन हुई उसके अंदर से भी ऐसे निकाल लेंगे। फिर तीन चैन बना लेंगे, एक बार दो बार, और ये तीन चैन बना ली। फिर उसके बाद दो बार हमने इस होल में बनाए, दो बार इस होल में बनाएंगे आप, जितने ये होल हैं इनमें दो दो बार हमने ऐसे ही बनाना है। एक बार डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया, चार बार डबल क्रोशिया, इनमें से ऐसे निकाल लेंगे, और इस तीन जो चैन में उसमें से भी ऐसे निकाल लेंगे। फिर तीन चैन बना लेंगे, एक दो तीन, फिर डबल क्रोशिया चार बार कर लेंगे, एक बार डबल क्रोशिया, दो बार, फिर तीन बार, और ये चार बार। फिर इसे ऐसे चारों में से निकाल कर, और ये तीन चैन इसमें से निकाल लेंगे, इसे बना लेंगे। तो ऐसे करके मैं यहाँ तक आपको बताती हूँ, पहले यहाँ तक बना लूँ फिर यहाँ के आपको बताती हूँ मैं। तो हर होल में हमने दो बार ऐसे चार बार डबल क्रोशिया करके बनाना है, फिर तीन चैन करके, फिर चार बार डबल क्रोशिया करके बनाना है। अब इस होल में बनाऊँगी, फिर इस होल में, फिर इस होल में, तो यहाँ के मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ तक बना लिया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करना है। तो ये हमारा इतनी ये गोल टिक्की बन गई है, हमारे सिर के ऊपर जो टिक्की गोल बनेगी, हमने एक बार बना लिया, दो बार, तीसरी बार और बनाकर, उसके बाद फिर मैं आपको फिर बताऊंगी ऐसे ही बनानी, जैसे ये बना रखी है मैंने, एक दो तीन। फिर इन्हीं होल में बनाते जाना है हमने, इस होल में बनाएंगे, एक बार दो बार तीन बार चार बार। तो मैं ये पूरी बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तक पहुँचूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। फिर चैन बना लेनी है, तीन, एक दो तीन, और इसी होल में दोबारा फिर चार डबल चैन करके हमने डबल क्रोशिया करके फिर बनाना है, दो बार बनाना है इस होल में, एक दो डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया, चार बार डबल क्रोशिया। अब इसे बुन लेंगे ऐसे, और इसे जो तीन चैन बनाई इसके अंदर से भी निकाल लेंगे। अब फिर तीन चैन बना लेंगे, एक दो, और ये तीन,
तो जैसे ये बनाया है मैंने डबल क्रोशिया करके, तो यहाँ बनाकर फिर इस होल में बनाकर यहाँ तक आकर फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो हमने यहाँ तक बना लिया है, अब हमें जो लास्ट में हमें तीन चैन बनाकर यहाँ से शुरू किया था, अब यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे ऐसे करके, ये बंद हो गया। तो ये हमारे सिर की गोल ऊपर टिक्की बन गई है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ, मैंने एक दो तीन चैन लेनी है और इस होल में अब हमने डबल क्रोशे चार बार, एक बार इस होल में ही करना है। पहले हमने हर ये तीन बार एक दो तीन, तो एक होल में डबल बार किया था डबल क्रोशिया, अब एक बार करना है हमने, एक बार दो बार तीन बार चार, तो ये डबल क्रोशिया चार बार हमने इस होल में एक बार ही करना है। ये तीन प्लाई की ऊन है, थोड़ी ये धागा एक इनका इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा निकालने में दिक्कत आती है। दो तीन, अब हमने इस होल में एक बार बनाया है तो एक बार इस होल में बनाएंगे, फिर इस होल में पहले डबल बार हम होल में बना रहे थे, अब हर होल में सिंगल बार बनाएंगे। तो अब हम दूसरे होल में बनाएंगे चार बार क्रोशिया डबल क्रोशिया करके, दो ये तीन और ये चार, और फिर तीन बार चैन बना लेंगे, दो तीन। अब हमने अगले होल में डबल क्रोशिया चार बार कर लेंगे, एक बार दो बार तीन बार और ये चार बार। और फिर चैन कर लेंगे, एक दो तीन चैन होगी। अब हमने इस होल में एक बार ये डबल क्रोशिया चार बार किया था, अब इस होल में करेंगे एक बार दो बार तीन बार और ये चार बार। फिर तीन बार चैन बना लेंगे, दो और ये तीन। अब अगले होल में डबल क्रोशिया चार बार बना लेंगे, एक बार दो बार तीन बार और ये चार बार। फिर चैन बना लेंगे तीन बार। अब अगले होल में डबल क्रोशिया चार बार कर लेंगे, एक दो तीन चार। और फिर तीन बार चैन कर लेंगे, दो और ये तीन। फिर डबल क्रोशिया चार बार इस होल में कर लेंगे, एक बार दो बार तीन बार और ये चार बार। और फिर चैन बना लेंगे, अब मैं आपको ये बनाकर यहाँ तक बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ, तो तब तक मैं यहाँ तक बना लूँ। तो हमने इतना बना लिया है, अब हम यहाँ पे जो शुरू किया था यहाँ पे हम इसे ऐसे करके, तो हमारा इतना बन गया है। तो अगली वीडियो में आपको दूसरा, मैंने एक दो तीन चार, ये चार रो मैंने आपको बताई थी, अब आगे फिर बताती हूँ मैंने कैसे बनाना है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एक दो तीन, तीन चैन बना ली, उसके बाद हमें इस होल में चार बार डबल क्रोशिया करना है। एक बार, दो बार, तीन बार और ये चार बार। हमें डबल क्रोशिया चार बार करना है। बीच में ये धागा आ गया था, इसलिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब हम तीन चैन फिर बना लेंगे, दो तीन। फिर हमें इस होल में, नेक्स्ट होल में इसे बस पे हमने एक बना लिया, अब अगले होल पे बनाएंगे डबल क्रोशिया चार बार करते हुए। एक बार, दो बार, तीन बार और ये चार बार। फिर तीन चैन बना लेंगे, तीन। फिर अगले होल में बना लेंगे डबल क्रोशिया करते हुए चार बार, दो बार हो गया, ये तीन बार और ये चार बार। लास्ट में ये तीन चैन बनाई थी उसमें से निकाल लेंगे इस धागे को। फिर तीन चैन बना लेंगे, दो तीन। मैंने ये ऊन तीन प्लाई के लिए, आप सिंगल भी ले सकते हैं सिंगल प्लाई की, तो ये तीन प्लाई की है तो मैं इस तीन प्लाई पे बना रही हूँ। आप सिंगल जो ऊन होगी उस पर भी बना सकते हैं। तो अगले होल पे फिर मैं डबल क्रोशिया चार बार करती हूँ बनाऊँगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। फिर तीन चैन बना लेंगे, एक, दो, तीन। तो मैंने यहाँ तक शुरू किया था यहाँ से, अब यहाँ तक बनाकर फिर मैं आपको इतना में सारा राउंड में बनाकर यहाँ आके फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने इतना बना लिया है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से शुरू किया था तो ऐसे करके हम धागे को लेके, जब भी हम यहाँ शुरू करते हैं जब एंड तक आते हैं तो ऐसे धागा करके आप एक बनाकर इसे ऐसे निकाल कर इसे बराबर कर सकते हैं। ऐसे ये बराबर हो गया है तो हर बार आप ऐसे ही करें। अब मैं फिर यहाँ से तीन चैन बनाऊंगी, एक, दो, तीन, और उसी तरह ही सभी होल में ऐसे। अब सिंगल ही बनाते जाऊँगी, पहले डबल बनाते, तीन रो में डबल बनाया था, अब हर रो में सिंगल ही बनाना है हमने, हर होल में सिंगल ही बनाना है। तो चार बार मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, दो तीन और ये चार। फिर तीन चैन बना लूंगी, ये रो भी मैं ऐसे पूरी करके फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। तीन चैन बना ली, एक, दो, तीन, चार। चार पर डबल क्रोशिया कर लिया, एक, दो, तीन बार चैन बना ली। अब अगले होल में फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेंगे चार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। फिर तीन चैन बना लेंगे, दो तो तीन। तो यहाँ तक फिर मैं आपको ये पूरा बनाकर यहाँ तक आके फिर मैं आपको बताती हूँ। तो हमने यहाँ तक बना लिया है, अब हम यहाँ पे, यहाँ शुरू किया था तो तीन चैन बने थे यहाँ पे, धागा निकाल कर इसे
कर देंगे। तो ये हमारे टॉपिक की तरह बनने लगी है। तो आगे इस तरह फिर आगे ऐसे ही बनाएंगे। फिर तीन चैन बना लेंगे, दो तीन। तीन चैन बनाने के बाद पहले होल में डबल क्रोशिया चार बार कर लेंगे, दो बार, तीन बार और चार बार, एक बार, दो बार, तीन चैन बनाकर फिर अगले होल में डबल क्रोशिया चार बार कर लेंगे, दो बार, तीन बार और ये चार बार। फिर तीन चैन कर लेंगे, एक बार, दो बार और ये तीन बार। फिर अगले होल में डबल क्रोशिया चार बार कर लेंगे, दो बार, तीन बार, ये चार बार। तो ये भी पूरी रो ऐसी ही बनेगी हमारी। दो तीन, तो आगे ये भी पूरी रो बनाकर, तो यहाँ तक मैं आपको फिर बताती हूँ बनाना, यहाँ तक। तो तब तक ये पूरी रो में ऐसे बना के यहाँ तक ले आऊँ। तो हमें यहाँ तक शुरुआत की थी, यहाँ तक आ गए। अब इसे हम ऐसे रखें, तो हमारी ये कैप बनने लगी है, आप देख सकते हैं। तो आपको मैं ऐसे ही दो तीन रो डबल क्रोशिया करके चार बनाकर और सिंगल होल में बना, जैसे मैंने ये बनाया है, ऐसे करके चार और बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ। चार रो बना लूँ ऐसे ही मैं, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैंने चार रो बना ली हैं, तीन रो हमारी ये थी, डबल हमने होल में बनाया था, फिर सिंगल बनाया था। ये नौ रो है हमारी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये नौ रो हैं। तो ये ऐसी बनी है। अब हम पहले एक, दो बना ली हमने, चैन बनाकर उसके बाद यहाँ डबल क्रोशिया करते बनाते जाएंगे, फिर डबल क्रोशिया, ऐसे करते हैं डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। चारों तरफ ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे हम।
चार चार बनाते जाएंगे उस हर होल में, और एक यहाँ पे बना लेंगे। तो ये मैं चारों तरफ ऐसे बनाकर फिर आपको बताती हूँ। तो ये मैंने बना लिया ऐसे डबल क्रोशिया करके, तो हमारी कैप बन गई है। और मैं नीचे दो तीन सिलाई और निकाल के मैं आपको फिर दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो आपको ये कैप कैसे लगी, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। हमने दूसरे वीडियो के दूसरे पार्ट में हमने इतनी बना ली थी ये वाली, अब हम आगे से शुरू करते हैं। तो ये डबल क्रोशिया हमने बना लिया था, अब हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया से ही आगे का भाग बनाएंगे। अब ऐसे करते सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। अब तीन चार हमें चार रो बनाएंगे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते हुए। सॉरी, सिंगल क्रोशिया लेंगे, डबल नहीं लेंगे। जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम सिंगल बना देंगे। अब तो ये बनाकर मैं आपको एक पूरी लाइन यहाँ तक फिर आगे बताती हूँ। तो मैंने सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। अब शुरू यहाँ से कर देंगे, यहाँ से पहले हमने शुरू किया था सिंगल क्रोशिया, अब यहीं से दोबारा शुरू कर देंगे। इसी के ऊपर हमें मैं तीन रो और बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। बीच में आप एक छोड़ के दूसरे पे अगर ये सिंगल क्रोशिया करोगे तो थोड़ा आगे से ये टाइट हो जाएगी कैप। तो ये सिंगल क्रोशिया में आपको दो रो तो हमारी बन गई है, एक और दूसरी रो मैं बना रही हूँ। तो दो रो और बनाकर उसके बाद मैं चार रो पूरी कर लूँगी, तो फिर आपको बताती हूँ। तो ये रो पूरी चार करके फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारी टोपी हमने बना ली है, पूरी हो गई है। तो मैंने बंद करके
जो धागा था मैंने अंदर की साइड में ऐसे कर दिया है, तो इसे मैं काट लूँगी थोड़ा सा, ये बचा है। और छोटा सा मैंने फ्लोवर बना कर लगा दिया, उसके ऊपर मैंने एक बटन लगाया है, इसके जो धागे के साथ मिलता जुलता मैंने बटन लगा दिया है, तो हमारी टोपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको नई नई टोपियों के डिज़ाइन देखने हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को आप देखें इन्हें, और आपको हर प्रकार का डिज़ाइन टोपियों में, स्वेटर, जैकेट, कोटी सभी में आपको नए प्रकार के डिज़ाइन मिलेंगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर देखा करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो ये छोटे बच्चे के लिए हमारी ये टोपी बन गई है। तो आपको ये टोपी कैसी लगी तो आप ज़रूर बनाएं इसे। थैंक यू।